मेरा पसंदीदा पुस्तक पर निबंध परिचय। मैंने बहुत सी किताबों को पढ़ा है, जिनमें से कुछ मेरे पाठ्यक्रम की हैं, जो मेरे बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो कुछ किताबें मेरा मनोरंजन भी करती हैं। बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए कहानियों की पुस्तकें मुझे देते थे। जिसे पढ़ना मेरे लिए बहुत आनंददायी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होती थी। मेरा पसंदीदा पुस्तक पंचतंत्र की किताब में सारस और केकड़े की एक कहानी है। जिसमें हमें केकड़े की बुद्धि और विवेक का परिचय देखने को मिलता है। इस कहानी में एक बूढ़ा सारस होता है जो अपना भोजन या शिकार आसानी से नहीं ढूंढ पाता था। एक दिन वह तालाब के किनारे वाले पेड़ पर बैठा था। और तालाब में ढेर सारी मछलियां, मेंढक और केकड़े को तालाब में देखा। गर्मियों का मौसम होने के कारण तालाब में पानी कम ही बचा था, इसलिए तालाब के सभी जीव बहुत दुखी थे। तब इस चालाक सारस ने इन मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को खाने की एक योजना बनाई। सारस ने तालाब के पास जाकर सभी जलीय जंतुओं से उनके उदासी का कारण पूछा। तो सबने तालाब के पानी कम होने का कारण बताया। तब सारस ने सबसे झूठ कहा कि पहाड़ी के उस पार एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें ढेर सारा पानी भी है। उसने कहा, यदि सब चाहें तो मैं एक एक करके सभी को अपनी चोंच में पकड़कर उस तालाब में छोड़ सकता हूं। पर असल में वह सभी को खाना चाहता था। सभी ने आपस में निर्णय कर एक एक कर उसके साथ उस तालाब में जाने का निर्णय लिया। पर केकड़े ने सारस की चालाकी को समझ गया। और जब उसके साथ जाने लगा तो वह सारस के गर्दन में लटकने का फैसला किया। जाते समय उसने सारस को मारकर केकड़ा वहां से भाग निकला। निष्कर्ष, पंचतंत्र की किताब मेरी पसंदीदा किताब है। इसकी कहानियां पढ़कर मुझे बहुत खुशी और साहस मिलती है। यह किताब हमें जीवन की नैतिक मूल्यों से भी परिचित कराती है।
पुस्तकें हमें सारी दुनिया की जानकारी और उनके बारे में ज्ञान देती हैं। इसलिए वो हमारे सबसे अच्छी मित्र कही जाती हैं। एक अच्छे मित्र की तरह यह हमारी मदद हमें ज्ञान और हमारा मनोरंजन भी कराती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहें। बाय बाय।